तो बच्चों, अब सेंटर ऑफ मास निकालने के बाद अब हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए निकाल लिया सेंटर ऑफ मास, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकाल लिया। तो अब हम चूंकि सेंटर ऑफ मास में थोड़ा और अंदर घुसते हैं और जानते हैं कि उसका मोशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बाकी सिस्टम आपका किस तरह से मूव करेगा और उसका सेंटर ऑफ मास किस तरह से मूव करेगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर मैं एक छोटा सा वीडियो प्ले करता हूँ, आप इसे ध्यान से देखें और मुझे बताएं आपको क्या समझ आया। तो बच्चों, पहले के इसमें जहाँ पे ये जो सिस्टम है हमारे दो पार्टिकल्स का, जिसमें दोनों ही पार्टिकल्स सेम स्पीड से अपोजिट डायरेक्शंस में भाग रहे हैं, तो इस केस में सेंटर ऑफ मास किसी भी दिशा में शिफ्ट नहीं हो रहा, या यूं कहें कि सेंटर ऑफ मास भी भाग नहीं रहा है, वो रेस्ट पे है। जबकि अगर हम दूसरे केस की बात करें तो यहाँ पे पार्टिकल्स अलग अलग वेलोसिटी से अलग अलग डायरेक्शंस में भाग रहे हैं, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ मास को भी कुछ नेट वेलोसिटी मिल रही है। यानी सेकेंड केस में सेंटर ऑफ मास जो है रेस्ट पर नहीं है। बच्चों, ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में आप ज़रूर सोचें, और तब तक हम ये जानने की कोशिश करते हैं मैथमेटिक्स और अपने एनालिसिस के माध्यम से कि आखिर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी या उसका एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाए, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आगे देखते हैं। चूंकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तो आपने निकाल ली एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, इस डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने बहुत ही आसानी से फॉर्मूला निकाल लिया जो कि आपकी स्क्रीन पर है। अब मुझे ये बताइए कि एक सिस्टम है जिसमें कई सारे पार्टिकल्स हैं, अब उन पार्टिकल्स का इंडिविजुअल मोशन क्या सेंटर ऑफ मास के मोशन को प्रभावित कर सकता है? जी, इस प्रश्न का उत्तर है जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। जिस तरह से वो सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करता है, यानी कि कौन सा, अगर बोलें कि कोई हैवी मास अगर किसी लोकेशन पे है तो सेंटर ऑफ मास उस तरफ शिफ्ट होगा, तो उसका जो मोशन होगा वो भी सेंटर ऑफ मास के मोशन को अफेक्ट करेगा। तो यानी अगर हम टोटल सेंटर ऑफ मास के ओवरऑल मोशन की बात करें तो वो हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल के मोमेंटम से अफेक्ट होगा, या यूं कहें कि सिस्टम का जो नेट मोमेंटम है वो होगा आपके इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोमेंटम का सम, और उसी पे सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम निर्भर करेगा। तो हमने क्या करा, पिछली इक्वेशन को यहाँ पे जितने भी आपके पोजीशन वेक्टर्स हैं R1, R2, R3 अलग अलग पॉइंट मासेस के, हमने इन सबको डिफरेंशिएट किया, या यूं समझा कि टाइम के साथ ही अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम मोशन में है, हर एक पार्टिकल अलग अलग पोजीशन में है और वो टाइम के साथ अपना पोजीशन बदल रहा है, सबकी वेलोसिटीज़ भी अलग अलग आती हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करने पे हमने लेफ्ट और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया और हमें कुछ इस तरह की इक्वेशन मिलती है। तो बच्चों, ये वही बात हो गई जो मैं दोहरा रहा था। M1 V1 क्या है, पार्टिकल 1 का मोमेंटम है, और M2 V2 क्या है, पार्टिकल 2 या सेकेंड मास का मोमेंटम। सिमिलरली M3 V3 थर्ड मास का मोमेंटम। तो यानी कि हर एक पार्टिकल मोशन में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो जिस पार्टिकल का मोमेंटम सबसे ज़्यादा होगा वो पार्टिकल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल पाएगा या सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाएगा। मैं अगर मानूं कि इस इक्वेशन में M1 V1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और M2 V2 M3 V3 की वैल्यू बहुत कम है, या मान लें कि नेग्लिजिबल है, तो हम ये मान सकते हैं बच्चों कि जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी बच्चों वो V1 के आसपास होगी या V1 जैसी होगी। तो बच्चों, जब हम लोकेशन निकाल रहे थे तो वहाँ पे मास के पोजीशन
और मास की वैल्यू का बहुत बड़ा योगदान था, उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। यहाँ पे जब हम सेंटर ऑफ मास के मोशन की बात करेंगे, उसके वेलोसिटी की बात करेंगे, तो यहाँ पर इंडिविजुअल मासेस के मोमेंटम का बहुत बड़ा यहाँ पे इन्फ्लुएंस होगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये आया कैसे, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, वो आप ज़रूर याद रखें। फॉर्मूला तो आप पिछले फॉर्मूले को डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हैं, बहुत आसान है इन फॉर्मूलों को याद करना, लेकिन जो कंसेप्ट मैंने बताया उस कंसेप्ट को आप याद रखें कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मोमेंटम का जो कंट्रीब्यूशन है वही डिसाइड करता है कि सेंटर ऑफ मास किस तरफ भागेगा, किस पार्टिकल की तरफ भागेगा। उस पार्टिकल की तरफ भागने की ज़्यादा टेंडेंसी रखेगा जिसका ओवरऑल मोमेंटम में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। अब अगर हम पिछली इक्वेशन को, अगर हम इस इक्वेशन को एक बार और डिफ्रेंशिएट करें बच्चों, तो जी हाँ, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यानी अब हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की, क्योंकि वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन एक्सेलरेशन हमें देता है। तब हम बात करें अगर इसके एक्सेलरेशन की, तो यहाँ भी बच्चों सेम कंसेप्ट लगेगा कि जिस पार्टिकल का एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है या ओवरऑल मास इनटू एक्सेलरेशन, इस प्रोडक्ट को अपन, हमें पता है हम इसे फोर्स कहते हैं, यानी हर एक पार्टिकल पे जितना फोर्स लग रहा है, वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो आपके सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को उतना ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। जो कंसेप्ट, जो टेंडेंसी आपके मोमेंटम के कंट्रीब्यूशन के कारण डेवलप होती है सेंटर ऑफ मास के लिए, सेम टेंडेंसी सेंटर ऑफ मास इंडिविजुअल पार्टिकल के फोर्सेस के कंट्रीब्यूशन के कारण भी रखता है। यानी कि अगर मैं मान लूं कि लेट अस से कि ये M3 जो पार्टिकल है, इसका प्रोडक्ट M3A3, यानी इस पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, हमारे फॉर्मूले में चूँकि यहाँ पे चार ही पार्टिकल दे रखे हैं, हमारे फॉर्मूले में M3A3 की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, तो ओवरऑल जो ACM की वैल्यू आएगी, सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की वैल्यू, ये आपके A3 के ही आसपास होगी, या डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो भी, उस पर भी A3 का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा। तो इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को आप समझने का प्रयास करें। अब इस इक्वेशन में अगर मैं M1, M2, M3 जो कि इसका समेशन जो है आपके पूरे सिस्टम का मास देगा, वो मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो नेट फोर्स ऑन सिस्टम निकल के आ जाएगा। और ये बच्चों, ये बहुत ही मतलब लाइक फिजिक्स का सेकेंड लॉ का हमने जो सीखा है कि नेट फोर्स ऑन सिस्टम क्या होता है, तो सिस्टम के जितने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स एक्सटर्नल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगर हम उन सब का वेक्टर सम ले लें, तो वो हमारे सिस्टम पे लगने वाले नेट फोर्स के बराबर आएगा। और यही इक्वेशन हमने इस थर्ड इक्वेशन से डिराइव कर ली कि F1 नेट हो गया कि बॉस फर्स्ट पार्टिकल पे या M1 मास पे कितना नेट फोर्स लग रहा है, सेकेंड पार्टिकल पे कितना नेट फोर्स लग रहा है। सिमिलरली जो भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स सिस्टम को बना रहे हैं, उन पे जो इंडिविजुअल नेट फोर्स लग रहा है, उन सब का सम आपके सिस्टम के ऊपर लगने वाले नेट फोर्स को देगा, या यूं समझें कि इनका कॉम्बिनेशन ही आपके सिस्टम के ऊपर लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू आपको देगा। तो बच्चों, अभी हमने सीखा कि किस तरीके से हम हमारे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालेंगे, और वहीं से हमने ये कंसेप्ट भी जाना कि सिस्टम के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स उसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे लगने वाले एक्सटर्नल नेट फोर्स का सम होता है। अब यहाँ पे मैं एक्सटर्नल वर्ड पे ज़्यादा जोर दूंगा, इस फैक्ट का इम्पोर्टेंस इतना है कि ये मैं अलग से दोहरा रहा हूँ, द इंटरनल फोर्सेस विच द पार्टिकल एग्जर्ट ऑन वन अनादर प्ले एब्सोल्यूटली नो रोल इन द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स आपस में जो धक्का मुक्की करते हैं, उनके आपस के इंटरेक्शन से डेवलप होने वाले फोर्सेस का हमारे सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन या सिस्टम के ऊपर लगने वाले नेट फोर्स पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। हम जिन भी फोर्सेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे,
वो सारे के सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे लगने वाले नेट एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। तो ये से M1 और M3 आपस में जो इंटरैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, ये हम मानते हैं कि ये थ्रू आउट द बल्क ऑफ सिस्टम कैंसिल आउट हो जाते हैं, इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है आपके सिस्टम के मोशन पे। तो बच्चों जो कंसेप्ट हमने सीखा उससे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लें। ये कंसेप्चुअल पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रटने की नहीं आप समझने की कोशिश करें। तो पहला केस, अगर सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, ठीक है। अब अगर हम एक्सप्रेशन पे ध्यान दें तो बच्चों सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन आता है इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे लगने वाले नेट फोर्स का सम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, या यूं बोले ACM इज इक्वल टू, मैं वापस से फॉर्मूला दिखाना चाहूंगा, M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो हमने पहला केस लिया है ACM इज इक्वल टू जीरो। अगर हम इसको जीरो से इक्वेट कर दें तो क्या ये जरूरी है कि A1, A2, A3 और आपके हर एक पार्टिकल्स का इंडिविजुअल एक्सेलरेशन जीरो आए? जी नहीं, वो जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इन सब का सम जीरो आ रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों ही या जितनी भी संख्याएं हैं यहाँ पे, जितने भी सम के, जितने ये प्रोडक्ट्स का सम हो रहा है, ये सब जीरो है, ये कहना बिल्कुल ही अनुचित होगा। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन जीरो होगा। वो जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दे मे और मे नॉट बी जीरो। इसका सिर्फ यही मतलब है, ये एक्सप्रेशन हमें इस एक्सप्रेशन पर लाकर रख देता है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, उसका उसके वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होगा, अर्थात सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी बच्चों। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। अब इफ v1 v2 v3 आर वेलोसिटीज ऑफ m1 m2 m3 मास इन द सिस्टम, देन v1 v2 v3 मे और मे नॉट बी कांस्टेंट। इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उनकी वेलोसिटीज हो सकता है कांस्टेंट हों और हो सकता है कांस्टेंट ना हो। क्योंकि यहाँ पे भी एक्सप्रेशन VCM का एक्सप्रेशन भी बच्चों क्या होता है, हर एक पार्टिकल के थ्रू जो लगने वाला मोमेंटम है उसका सम निकालते हैं हम m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये जो m1 v1 m2 v2 ये जो इंडिविजुअल मोमेंटम्स हैं, इनका जो सम है ये कांस्टेंट है, इनका सम कांस्टेंट है, बट इनके आपस की इंटरनल वैल्यूज तो चेंज हो सकती हैं। इसका मतलब ये है कि v1 v2 v3 ज़रूरी नहीं है कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स की वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो बच्चों जो एनालिसिस हमने सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के लिए किया, कुछ वैसा ही एनालिसिस हम सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के लिए भी कर सकते हैं। अब अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो है, इसका एक ही मतलब है कि m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 इन सब का जो सम है ये जीरो निकल कर आ रहा है, यानी इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मोमेंटम का जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनका सम है, वो जीरो है। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोमेंटम भी जीरो हो या इंडिविजुअल पार्टिकल्स भी रेस्ट पर हों। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो होना मतलब कि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे भाई साहब, उनका पोजीशन वेक्टर कांस्टेंट है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स का भी पोजीशन वेक्टर कांस्टेंट हो। उनके पोजीशन वेक्टर के कांस्टेंट होने का मतलब कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स की वेलोसिटी भी जीरो है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनके मोमेंटम का सम जीरो है, यानी कि r1 r2 r3 या इंडिविजुअल पार्टिकल्स का पोजीशन वेक्टर चेंज हो भी सकता है, चेंज नहीं भी हो सकता है।
लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, चूंकि जो हमने डिस्कस करा ये VCM का एक्सप्रेशन है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के लिए। अब ये जो m1 m2 अप टू mn है ये क्या है, ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मासेस का सम है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से तो हमें हमारे सिस्टम का नेट मोमेंटम मिल जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों वही कंक्लूजन निकलेगा जो हमारे सिस्टम के नेट फोर्स के लिए निकला, कि सिस्टम का नेट मोमेंटम इंडिविजुअल पार्टिकल के नेट मोमेंटम का वेक्टर सम होगा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, इसे आप ध्यान रखें। आप सिस्टम के लिए नेट मोमेंटम का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। ये जो कंसेप्ट है बच्चों इनके बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, ये आप इसी चैप्टर में आगे सीखेंगे। जब आप रोटेशन और रोलिंग वगैरह पढ़ेंगे तब इनके बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस आपको समझ आएंगे। तो बच्चों हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीख लिए, अब समय आ गया है कि हम उन कंसेप्ट की टेस्टिंग करें, जानें कि हमने कितना सीखा और कितना हम चूक गए। देखते हैं, टू बॉडीज ऑफ 6 kg एंड 4 kg masses हैव देयर वेलोसिटी दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों यहाँ पे आपको दो बॉडीज दी हुई हैं m1 और m2, उनकी इंडिविजुअल वेलोसिटीज दी हुई हैं v1 और v2। तो यहाँ पे तो आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे कोई हैवी कंसेप्ट नहीं है, आप फॉर्मूला लगाइए और मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ। तो बच्चों ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, मतलब कुछ ही स्टेप्स में आ जाएगा ये। बस आपकी फॉर्मूला मेमोराइजिंग पावर चेक होती है इससे, कि आप याद कर पा रहे हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो आप अपनी मेमोरी में रिटेन कर पा रहे हैं या नहीं। तो बच्चों इस अध्याय, इस पूरे वीडियो की समरी यही हुई कि किस तरह से सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए आप उसकी पोजिशन निकालें, फिर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसकी पोजिशन निकालें, और अब पोजीशन निकालने के बाद हम ये भी जानने में इंटरेस्ट रखते हैं कि सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा होगा, उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, और वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। धन्यवाद बच्चों।